लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन से लोक संगीत के एक युग का अंत हो गया। इस खबर ने देश भर में उनके शुभचिंतकों को झकझोर कर रख दिया है। छठ महापर्व के बीच में उनके निधन की खबर से देश भर में शोक की लहर है। जहां प्रशंसकों में मायूसी छाई हुई है, वहीं राष्ट्रपति पीएम समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने भावुक पोस्ट लिखकर अपना दुख जाहिर किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, बिहार कोकिला के रूप में प्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शारदा सिन्हा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। बिहारी लोक गीतों को मैथिली और भोजपुरी में अपनी मधुर आवाज देकर शारदा सिन्हा जी ने संगीत जगत में अपार लोकप्रियता पाई। आज छठ पूजा के दिन उनके मधुर गीत देश विदेश में भक्ति का अलौकिक वातावरण बना रहे होंगे। उन्हें वर्ष 2018 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। उनका सुमधुर गायन अमर रहेगा। मैं उनके परिवारजन एवं प्रशंसकों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूं। पीएम मोदी ने भी शोक संदेश में लिखा, सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार कोकिला की फोटो अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन की खबर बेहद दुखद है। उनके शोकाकुल परिजनों एवं प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। छठ के त्योहार में हर ओर गूंजते उनके गीत श्रद्धालुओं और श्रोताओं को उनकी सदा याद दिलाते रहेंगे। शारदा जी अपने स्वरों के जरिए हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदा सिन्हा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदा सिन्हा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, प्रख्यात लोक गायिका पद्म भूषण डॉक्टर शारदा सिन्हा जी का निधन अत्यंत दुखद व संपूर्ण संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ने उत्कृष्ट पारंपरिक गायन के माध्यम से मैथिली भोजपुरी सहित अनेक लोक भाषाओं और लोक संस्कृति की सेवा की तथा राष्ट्रीय पटल पर उन्हें सम्मान दिलाया। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा उनके शोकाकुल परिजनों एवं प्रशंसकों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। बिहार के सीएम ने भी मशहूर लोक गायिका के निधन पर शोक जताया। लिखा, बिहार कोकिला पद्मश्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा जी का निधन दुखद। वे मशहूर लोक गायिका थी। उन्होंने मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत भी गाए थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी अपनी मधुर आवाज दी थी। स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी के छठ महापर्व पर सुरीली आवाज में गाए मधुर गाने बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी भागों में गूंजा करते हैं। उनके निधन से संगीत के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। उनकी आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों एवं प्रशंसकों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी। कहा कि बिहार की सुपुत्री पद्मश्री पद्म विभूषण से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायिका तथा अपनी मधुर आवाज एवं गीतों के माध्यम से छठ पूजा को जन जन तक पहुंचाने वाली श्रीमती शारदा सिन्हा जी के निधन की दुखद सूचना मिली। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा दुख की इस घड़ी में शुभ चिंतकों व उनके परिवार को संबल और धैर्य प्रदान करें। उनकी मधुर आवाज हमेशा जीवित रहेगी। उन्हें शत शत नमन एवं श्रद्धांजलि। बहरहाल, आप बिहार की स्वर कोकिला को जिन शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।